जमीन की खरीद फरोख्त के वक्त दलाली कमीशन 2% पहले से तय होता है, तो क्या इस तरह दलाली तय करना शरी एतबार से दुरुस्त है? इस तरीके से तय करना दुरुस्त है, दलाली लेना यानी आप किसी मामले में दरमियान में हैं और आपका जो मेहनताना है दरमियान का जो भी आपने आपको लेना है वो तय कर ले, इसलिए कि शरीयत के अंदर मामलात में सफाई होना जरूरी है। आपके भाग दौड़ का जितना भी परसेंट है, जैसे मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए में कोई ज़मीन बेची जा रही है, तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि मुझे जो भी जिस रेट में बेची जाएगी उसका मुझे 2% चाहिए। अब जब बेची गई तो बेचने के बाद 2% होता है, उसके हकदार आप हो जाएंगे, इससे कि आपने मेहनत कर लेते हैं। तो शरीयत के अंदर कोई भी चीज़ हो मजहूल नहीं होनी चाहिए, मारूफ होनी चाहिए। परसेंट के एतबार से आप तय करें या रकम आप तय कर लें कि मुझे इतनी रकम चाहिए अपने इस काम की, तो काम मुकम्मल हो गया, आप रकम के हकदार हो गए। और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं कि आप दोनों तरफ से वकील बन सकते हैं, इनकी जानिब से भी आप डीलिंग कर सकते हैं और जो है लेने वाले की जानिब से भी डीलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज